आज स्वतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पे मैं सारे हिंदुस्तानियों को, देश विदेश में रहने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दोस्तों, आजादी यूं ही नहीं मिली है, संघर्ष करना पड़ा था, लड़ना पड़ा था, हमारे पुरखों को एकजुट होकर लड़ना पड़ा था, तब जाके हमें आजादी मिली है। आज कोरोना वायरस के इस दौर में भी हमें वही सीखना है और एकजुट होकर लड़ना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने कई योजनाएं चलाए हैं कि हर गरीब इंसान के घर पे खाना पहुंच सके, राशन पहुंच सके, उनके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच सके, क्योंकि लॉकडाउन चालू है। हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कई योजनाएं हैं, स्कीम्स है लोन लेने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। मैं राज्य सरकारों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार की सारी योजनाएं यहां पे उपलब्ध कराएं जनता के लिए। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारा देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। अभी जो एजुकेशन चालू है वो ऑनलाइन चालू है, वो ऑनलाइन ही चलनी चाहिए। ये एकेडमिक ईयर स्कूल्स में नहीं जाएं बच्चे, वो ही बेहतर है, क्योंकि यूएसए अमेरिका में अभी हाल ही के स्कूल्स खुले थे और सबको पता है कि 95,000 बच्चों को कोरोना वायरस हो गया। क्या हम अपने बच्चों की जान खतरे में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। मैं अपने मैन्युफैक्चरर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छी चीज़ें सस्ती में बनाएं और मार्केट में डालें, जो चाइना का आइटम यहाँ पर नहीं चले। व्यापारियों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडियन आइटम ज़्यादा प्रमोट कीजिए। और अपने दोस्तों से एक ही चीज़ कहूँगा कि जहाँ तक हो सके हमारे देश में बनाई हुई चीज़ें वापरें, उससे हमारे देश की इकोनॉमी और बूस्टअप होगी। इस वक्त हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, अपनों का साथ देना चाहिए, तभी हम कोरोना वायरस से जीत सकेंगे और इस संघर्ष से उभर सकेंगे। आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।